राजधानी देहरादून में मॉनसून शुरू होते ही शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल अक्सर खुल जाती है। बता दें कि एक ओर जहां कई स्थानों पर जलभराव से हाईवे और सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई स्थानों पर बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस जाता है, जिसके चलते लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जिसको लेकर भाजपा विधायक और पूर्व मेयर विनोद चमोली ने कहा कि नगर निगम में मेयर होने के नाते प्रयास किया गया था कि ड्रेनेज को देखते हुए देहरादून के लिए मास्टर प्लान लाया जाए ताकि जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रस्ताव भी बना था लेकिन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। इसके आगे उन्होंने कहा कि अब इस समस्या का निवारण किया जा रहा है। उन्होंने इस विषय को शासन में लिया और अब 2000 करोड़ का ड्रेनेज प्लान बनाया जा रहा है जिस पर कार्य गतिमान है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, शहर में बहुत लंबे समय से काम करने का मुझे अनुभव रहा है और नगर निगम में मेयर होने के नाते उसमें केंद्र की यूपीए सरकार थी और जनरेगा के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया था कि देहरादून के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान आ जाए ड्रेनेज के लिए, ताकि यहाँ पर जल भराव की समस्या से निजात दिलाई जा सके। और जल निगम से वो प्रस्ताव बना भी था, वो प्रोजेक्ट मेरे सामने आया था। मैंने बोर्ड में जब उसको डिस्कस किया तो उसमें बहुत सारी खामियाँ थी और मैंने ये चाहा था कि वो खामियाँ दूर होकर एक फुल प्रूफ प्रोजेक्ट बने और यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। लेकिन उसके बाद से उसकी कॉस्ट तो बढ़ती चली गई लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है क्योंकि ये विषय मैंने शासन में भी लिया था बैठक में और आज इस पर ड्रेनेज प्लान बन रहा है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। और काफ़ी बड़ा, कम से कम 2000 करोड़ का प्लान इस समय हमारा गतिमान है जिस पर काम चल रहा है। अलग अलग जोन में इसकी हो गई है, मेरे जोन में भी इस समय जो विधानसभा क्षेत्र में देख रहा हूँ उसमें भी इस समय वो काम चल रहा है। तो इसका जो प्राइमरी जो DPR फॉर्मेशन का जो काम है उस पर इस समय काम हो रहा है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में देहरादून के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान लेकर आ रहे हैं और कम से कम 2000 करोड़ का ये मास्टर प्लान आने जा रहा है। तो उसमें जो छोटी छोटी खामियाँ हैं उनको भी हम लोग देख रहे हैं, उनको समय से, क्योंकि अभी से उसका अगर प्रावधान कर दिया जाएगा तो आगे के लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो उस पर हम लोग इस समय काम कर रहे हैं। थोड़ा दिक्कत है, एक दो बरसातों में हमको झेलनी पड़ेगी क्योंकि इतना बड़ा प्लान कोई 2 दिन में तो लागू हो नहीं सकता, इसमें समय लगेगा। लेकिन भविष्य ठीक है, आने वाले समय में देहरादून को जल भराव से निजात मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है।